नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं TJT कमीशन का पार्ट थर्ड। तो दोस्तों, ये TJT कमीशन का पार्ट थर्ड है। अगर आपने इससे पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सर्च कीजिए TJT कमीशन, आपको वहाँ पे पार्ट वन और पार्ट टू मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे TJT कमीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन। तो भारत ने पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिवस कब मनाया था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका 26th of November 1949। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कभी कभार वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा उसका B.R. अंबेडकर जी। ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे और B.R. अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी, वही कमेटी थी जिसने बेसिकली संविधान को ड्राफ्ट किया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। When was the civil disobedience movement finally called off by महात्मा गांधी जी? तो महात्मा गांधी जी ने फाइनली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कब खत्म कर दिया था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 1934। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो बेसिकली ये फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है? तो ये बेसिकली ये डाइवर्सिटी, यूनिटी के लिए मनाया जाता है। तो ये किस राज्य का ये त्यौहार है हॉर्नबिल? तो बिल्कुल सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड की अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो ये भी आपको याद रखनी है, कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। कभी कभार पूछी जाती है, जो भी हमारी सेवन सिस्टर स्टेट है जिनको बेसिक, जो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, जो बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है, तो इसका आंसर है कोहिमा और ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज अप्रोक्सीमेट। तो आपको बताना कि फॉरेस्ट कवर परसेंटेज कितना है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21%। तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर परसेंटेज है 21%। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड विच गैस हैज ए रोल इन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के किस गैस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है क्लाइमेट चेंज में। तो आपको पता होगा CO2 की वजह से, आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा, जो भी पहाड़ों पे बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है और वो जो नीचे का समुद्रों का पानी उसका होता है, उनका जो वाटर लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम CO2 विच गैस हैज़ ए रोल इन क्लाइमेट चेंज। तो बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन, या कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसे CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला लिख के भी पूछ सकता है। तो दोनों चीज़ों से आपको इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेटअप करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको हमारे हर वीडियो के अपडेट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको PDFs चाहिए तो आप ज्वाइन नाउ बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच द फॉलोइंग भक्ति पोइट्स ऑफ महाराष्ट्र कन्वेड हिज टीचिंग थ्रू द न्यूमरस अवंगास। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र के कौन से भक्ति पोइट थे बेसिकली जिन्होंने अपनी टीचिंग्स प्रोवाइड करी है वेरियस अभंगास से। तो बिल्कुल सही आंसर होगा संत तुकाराम या तुकाराम जी, कैसे भी आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी HAS की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वॉज रेटिफाइड बाई इंडियन गवर्नमेंट इन विच ईयर। तो UN कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज जो भौतिक विविधता होती है, ठीक है ना, जो बायो के कारण जो विविधता जनरेट होती है, तो उसके ऊपर जो रेटिफिकेशन था वो इंडियन गवर्नमेंट ने कब फाइनल किया था? तो राइट आंसर होगा द UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वॉज रेटिफाइड बाई इंडियन गवर्नमेंट इन 1994। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो आपको बताना है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, आपको ईयर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका 1951 में NSSO इस्टेब्लिश हुआ था। तो NSSO का जो ईयर है ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए, NSSO इस्टेब्लिश्ड इन 1951। नाइन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अराउंड विच ईयर कैप्टन RC ली, तो कैप्टन RC ली ने किस वर्ष सेटअप किया था एन एप्पल ऑर्चर्ड। तो सेबों का जो बगीचा होता है बेसिकली उसे बोला जाता है एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू एरिया। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1870। तो 1870 में ये सेटअप किया गया था RC ली द्वारा, एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू।
मूव करते हैं टेंथ क्वेश्चन की ओर। इन विच रिवर बेसिन इज अपर ज्वाइनर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो आपको बताना है किस रिवर बेसिन में अपर ज्वाइनर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका रावी नदी। तो रावी नदी में क्या है, अपर ज्वाइनर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। विच स्कूल डिड अमृता शेरगिल ज्वाइन इन 1924-25 इन शिमला, तो अमृता शेरगिल ने 1924-25 की वर्ष में, मतलब कि 1924-25 के आसपास किस स्कूल जो शिमला का था उसको ज्वाइन किया था, तो अमृता शेरगिल ने ज्वाइन किया था जीसस एंड मैरी। तो G&M बहुत फेमस स्कूल थे शिमला का, जीसस एंड मैरी स्कूल को अमृता शेरगिल जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट विच प्लेस इज फिश फार्म, तो आपको बताना है कि कुल्लू जिला जो हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस जिला है, तो वहाँ पे किस जगह पे फिश फार्म है, मछलियों के लिए बेसिकली फार्म बनाए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है पाटली कुल, नेक्स्ट इज मोहेली, नेक्स्ट इज नागिनी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी जगह है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ नोट्स में ये सारे जगह लिख लेना, हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा आपसे पूछ लेगा, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में से इनमें से कौन सा फिश फार्म नहीं है, तो हो सकता है कि आपको जब ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फिश फार्म है, तो एक ऑप्शन दे देगा और तीन ऐसे दे देगा जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग ही नहीं करते होंगे या फिर वो फिश फार्म ही नहीं होंगे। तो इसलिए कहता हूँ इसको एक बार दोबारा से देख लें, पाटली कुल, मोहेली, नागिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना उसके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जरूर ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।